So what is liquidity? Liquidity is short term solvency. यानी कि किसी भी बिजनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो तुरंत जो पेबल्स हैं, तुरंत के जो उसके ऑब्लिगेशंस हैं, वो बिजनेस ने डिस्चार्ज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। मतलब अब हम जैसे कॉमन हमें जो कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं ना कि लिक्विडिटी ठीक नहीं है, लिक्विडिटी ठीक नहीं है इसका मतलब क्या है कि ऑपरेट करने के लिए पैसा नहीं है। और अगर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो गया बोलते लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो गया, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो गया मतलब क्या है कि पैसा ही नहीं है, और पैसा नहीं तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। तो और एक चीज़ और याद रखो कि कई बार ऐसा हो सकता है बिजनेस में कि फिक्स्ड एसेट्स बहुत हैं लेकिन लिक्विडिटी नहीं है, तो फिक्स्ड एसेट होने के बावजूद भी आपको बिजनेस में तकलीफ होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आप बिल्डिंग तो नहीं बेचोगे, है ना, और कोई और छोटा मोटा इक्विपमेंट खरीदना है तो उसके लिए आप प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं बेचोगे। तो लिक्विडिटी यानी कि बिजनेस में होना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये कैसे मालूम पड़े कि लिक्विडिटी अपने बिजनेस की बराबर है कि बराबर नहीं है, है ना। ये वो मालूम करने के लिए वी कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो, एंड इन लिक्विडिटी वी कैलकुलेट अ रेशियो विच इज नोन एज करंट रेशियो, एंड सो वी कैलकुलेट द करंट रेशियो। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द करंट, कैसे कैलकुलेट करते हैं करंट रेशियो, बहुत सिंपल है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, एंड दैट इज योर करंट रेशियो। इसका एक वर्जन और है, करंट रेशियो का एक वर्जन और है, उसको बोलते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो में आप क्या करते हो, क्विक रेशियो इज रिफाइंड वर्जन ऑफ लिक्विडिटी। तो क्विक रेशियो में आप यू विल टेक करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज एंड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, दिस इज मोर लिक्विड, दिस इज मोर लिक्विड, दिस इज मोर लिक्विड। यानी कि अगर आप इन्वेंट्री को जाने को टाइम लगता है, इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, तो इन्वेंट्री इज नॉट उतनी लिक्विड नहीं है जितना कि आपका रिसीवेबल्स हैं, क्योंकि इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले फिनिश प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उसका फिनिश प्रोडक्ट बना के फिर आप उसको सेल करना पड़ेगा, सेल करने के बाद फिर जाके कस्टमर आपको उसका पैसा देगा, तो ये लंबा प्रोसेस है। तो इन्वेंट्री इज उतनी लिक्विड नहीं है जितने कि आपके रिसीवेबल्स हैं या आपके कैश एंड बैंक बैलेंस हैं। तो अगर आपको एक कंपनी जैसे कोई कस्ट, अब समझो लिक्विडिटी रेशो की अपने को कहाँ ज़रूरत पड़ती है, लिक्विडिटी रेशो की अपने को ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम किसी कस्टमर को का ऑर्डर एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर पैसा टाइम पे देगा कि नहीं देगा ये जानना जरूरी है, वो क्योंकि नहीं तो क्या कस्टमर टाइम पे नहीं तो अपने को प्रॉब्लम होता है फिर अभी। तो कस्टमर टाइम पे पैसा, तो कस्टमर की लिक्विडिटी देखो, कस्टमर की लिक्विडिटी देखो, आया ध्यान में, वेरी गुड। तो अब करंट रेशियो, अब देखिए दो चीजें हैं, करंट रेशियो को आप दो तरीके से देख सकते हो, एक कस्टमर के हिसाब से देख सकते हो और एक अपने हिसाब से देख सकते हो, और हम इसको समझ के लेंगे आई एम श्योर, ये अपन जब डिस्कस करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है। तो करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, उसका एडवांस वर्जन है और वो है करंट एसेट्स माइनस दी इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय दी करंट लायबिलिटीज। तो आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस शीट में हैं दोनों आइटम। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूंगा आपको अमित, P&L में आपको कौन से आइटम मिलते हैं और बैलेंस शीट में आपको कौन से आइटम मिलते हैं, ये फंडामेंटली समझ के लीजिए। P&L में आपको इनकम और एक्सपेंस के आइटम मिलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हमने सुबह डिस्कस किया उसमें आप देखोगे, उसमें आपको इनकम और एक्सपेंस के आइटम मिलेंगे, सेल्स, मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, SG&A, डेप्रिसिएशन। सर, सैलरी कॉस्ट SG&A में आती है, फाइनेंस कॉस्ट? हाँ, वेरी गुड, गुड पॉइंट।
अब देखो नीरज, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। सवाल ये है कि सैलरी एसजीएनए में आएगी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि ये सैलरी आप कहाँ की पे कर रहे हो। अगर आप सैलरी फैक्ट्री मैनेजर की पे कर रहे हो व्हाइट कॉलर्स व्हाइट कॉलर, तो फैक्ट्री मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोडक्शन करना। तो फैक्ट्री मैनेजर की जो सैलरी है वो कहाँ की कॉस्ट हो गई? प्रोडक्शन प्रोडक्शन की कॉस्ट हो गई, प्रोडक्शन की कॉस्ट हो गई, कॉस्ट। तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एक्सपेंस में जाएंगे। और सेल्स मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर है, और सब जो अकाउंट्स मैनेजर मैं बोलता हूँ वो हेड ऑफिस वाला, फैक्ट्री वाला नहीं, तो उसकी जो सैलरी होगी वो एसजीएनए में आएगी। समझ रहे क्या? ब्लू कलर से जो वर्कर्स है वो तो हाँ, डायरेक्ट अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वर्क एक्चुअली नहीं है। वर्कर्स में भी वो तो, बिकॉज वर्कर्स तो सारे के सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड हाँ, हैं ना, वो वो मैन्युफैक्चरिंग सारे के सारे। मैन्युफैक्चरिंग अब उसमें भी दो चीज़ें होती हैं कि एक मतलब वर्कर्स की दो, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। नहीं, कि वर्कर जो शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है उसकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी, तो उसकी वो सीधे के सीधे क्या बोलते हैं अपने, जैसे कॉस्टिंग अगर आप कर रहे हो तो उसकी सीधे डायरेक्ट कॉस्ट में जाएगी। और एक वर्कर है जो क्लीनिंग का काम कर रहा है, मेंटेनेंस का काम कर रहा है ना, मटेरियल हैंडलिंग का काम कर रहा है, तो उसकी वो ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएगी एक, तो इस तरह से। तो उसका फंडामेंटल यही है नीरज। आप देखो कि जो आप जो कॉस्ट इनकर कर रहे हो कहाँ पे इनकर कर रहे हो, वो जहाँ इनकर कर रहे हो वो वहाँ जाएगी। दिस इज हाउ यू विल डिसाइड। ओके, तो आप क्या करिए, आप ये दोनों रेशियोज कैलकुलेट करिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि पीएनएल में इनकम एक्सपेंस, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के आइटम्स आएंगे, ये आप ध्यान रखिए। बैलेंस शीट में आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के आइटम्स आएंगे। तो अब ये रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों आइटम, दो तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। तीनों इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? ये तो उसमें मिलेगी कहाँ? बैलेंस शीट बैलेंस शीट में। सो ओपन दी बैलेंस शीट एंड ये कैलकुलेट करने में आपको मेरे ख्याल से ये आपको कैलकुलेट करने में मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। करंट एसेट इज 400, 400, 200, 400, 500, 900।